तनुमाई जिसर प्रभु ने की, जब कर तब उस पर मैं दिया, पति आंखों से आंसुओं की दा, दिल में करता स्तुति जीवन की राह में, जब लगा के रहूं मैं जीवन की राह में, जब लगा के रहूं मैं हिम्मत दी मुझे अपने वचन से, मती मुझे अपने वचनों से, तनुमाई सर प्रभु ने की, जब करता उस पर मैं ध्यान, करती आंखों से आंसुओं की दा, दिल में बरता स्तुति धन्यवाद। मुसीबतों में मनुआ जब मेरा नीरा, कष्ट और मुसीबतों में मनुआ जब मेरा नीरा, लेके बाहों में शांति दी मुझे, बाहों में शांति दी मुझे, तनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता वो उस पर आंखों से आंसुओं की दा, मैं करता स्तुति धन्यवाद। परमित्रों को भी मुझ पर डाला कहते, मेरे परमित्रों को भी मुझ पर डाला कहते, शत्रुओं के भी उठाया मेरा से, शत्रुओं के भी उठाया मेरा से, तनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता उस पर मैं ध्यान, करती आंखों से आंसुओं की दा, तुम्हें बरता स्तुति धन्यवाद। तनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता वो उस पर मैं ध्यान, करती आंखों से आंसुओं की दा, मैं बरता स्तुति धन्यवाद। आमीन। जिस तरह प्रभु ने हमें चलाया, अद्भुत रीति से चलाया, प्रभु का धन्यवाद करना। ओरा बरा बरा दुरा का बरा 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 सगाया दला लगे दे, ओरा मले के से देख लला मादले लगे, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh,
योग्यता के लिए प्रभु का स्तुति करेंगे। विश्वास योग्य प्रभु है, महान सर्वस्कारादर तले सदा तेरे। हालेलुया। अब ये वचन
नहीं है, कोई रुकावटें कोई नहीं है, अब ये वो समय है, रुकावटें कोई नहीं है, अब ये वो समय है, रुकावटें कोई नहीं है, कभी न खत्म होने वाले आज से संकट का मौसम है, कभी न होने वाले आशीष कटने का मौसम है, प्रभु के आशीष जीवन में जल्दी आने का समय है, प्रभु के आशीष जीवन में जल्दी आने का समय यस यस, प्रभु के आशीष जीवन में जल्दी आने का समय है, होने वाले आशीष कटने का मौसम है, कभी न खत्म होने वाले आशीष कटने का मौसम है, सारे कठिन बातों को आसान करेगा मेरा यीशु, सारे कठिन बातों को आसान करेगा मेरा यीशु, सारे कठिन बातों को आसान करेगा मेरा यीशु, होने वाले आशीष कटने का मौसम है, कभी न खत्म होने वाले आशीष कटने का मौसम है, अब ये वो समय है, रुकावटें कोई नहीं है, अब ये वो समय है, रुकावटें कोई नहीं है, अब ये वो समय है, कभी न खत्म होने वाले आशीष कटने का मौसम है, कभी न खत्म होने वाले आशीष कटने का मौसम है, जो भी बातें असंभव संभव करेगा मेरा यीशु, जो भी बातें असंभव संभव करेगा मेरा यीशु, जो भी बातें असंभव संभव करेगा Yes, कभी न खत्म होने वाले जो भी बातें असंभव संभव करेगा मेरा यीशु, जो भी बातें असंभव संभव करेगा मेरा यीशु, जो भी बातें संभव करेगा मेरा यीशु, कभी न खत्म होने वाले आशीष कटने का मौसम है, कभी न खत्म होने वाले आमेन। ஆசிகள் அருளும் சமயம் தானே, சாரி ருக்காவட்டுக்கு ரோஷ கபாரா ஓ தூர் கர்க்கே அசம்பவக்கு சம்பவ கரனே வாலா பரமேஸ்வர் தன்யவாத் धन्यवाद 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 हालेलुया। आपसे कुछ भी बात कठिन नहीं है, आपसे सब कुछ संभव है, हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है, हालेलुया।
आज तक कराई से उसने हमें तृप्त किया है, आगे भी तो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। रात के बाद आएगा दिन, होने के बाद होगा फसल, रात के बाद आएगा दिन, होने के बाद होगा फसल, बीज और भोजन देता जो पल बन करेगा बीज को, बीज और भोजन देता जो पल बन करेगा बीज को, आज तक कलाई से उसने हमें तृप्त किया है, आगे भी तो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। ऐसा दिल को निकाल कर देगा वो तुमको मांस का दिल, पत्थर का दिल को निकाल कर देगा वो तुमको मांस का दिल, देगा पवित्र आत्मा को वचन की राह पर चलाएगा, देगा पवित्र आत्मा को वचन की राह पर चलाएगा, ओ आज तक कलाई से उसने हमें तृप्त किया है, आगे भी वो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा, ही से होगी नई और नई जमीन ओ सब से होगी नई, यस हालेलुया, नई जमीन नया सिमा, श्राप और पीड़ा न रहेगा प्रभु वहाँ राज्य करेगा, श्राप और पीड़ा न रहेगा प्रभु वहाँ राज्य करेगा, आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है, आगे भी हो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा, आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है, आगे भी हो रहेगा वादा प्रभु ने किया है, वादे बलि उसने कहा है, वादा प्रभु ने किया है, वादे बलि उसने कहा है, ओ हो रह जाएगा न एक ही बात, समय पर होगा सब पूरा, समय पर होगा सब पूरा, आज तक भलाई से उसने हमें तृप्त किया है, आगे भी वो रहेगा विश्वास योग्य ही सदा। कितना तक तुम आंख उठा कर देखोगे सब तुम्हारे लिए हो जाएगा, हालेलुया, ओ रागा बाकर रवाला करो, हालेलुया, we bless you Lord, तेरे दला किसी के तरह लगा लगा, बहरिये के फंद से बनने वाले रोग से 764 बहरिये के फंद से फैलने वाले रोग, बहरिये के फंद से फैलने वाले रोग, अक्षय का कभी नहीं दूंगा, पंखों से मुझे डर
डबेगा परो सारे शरण है, मांगो से मुझे डबेगा परो सारे शरण, उसकी सच्चाई डालो जीवन में, मगाऊंगा मैं तीरों से, रात की लड़ी वापस दिन में उड़ते तीरों से, डरूंगा नहीं महामारी से, बुराई से बचाएगा मेरे पावों तले, ओ विनती मेरी सुनेगा छुड़ाएगा साथ रहेगा, विनती मेरी सुनेगा छुड़ाएगा साथ रहेगा, दीर्घायु से तृप्त करेगा, जग मगाऊंगा मैं नहीं कभी नहीं, ओ मेरा रक्षक बना के छाया में यीशु मसीह के अंदर में, वो पर प्रधान के छाया में यीशु मसीह के अंदर में रहता हूँ, डर कोई नहीं दृढ़गढ़ है नाम उसका, शरण स्थान है मेरा, दृढ़गढ़ है नाम उसका, शरण स्थान है मेरा, सुखो सुखो उसमें पाया हूँ, मगाऊंगा मैं नहीं कभी नहीं, भरोसा है उस पर मेरा हमेशा, नगरिन मरे मिले वल्लवर निरलिले, नगरिन मरे मिले वल्लवर निरलिले, तंगि उल्लेन भयमिल्लामले அவர் நாமம் பலத்த துர்கமே சுகமே அதிலே என்றுமே, நாமம் பலத்த துர்கமே சுகமே அதிலே என்றுமே, அடைக்கலமே என்றும் அவரிலே, எதை குறித்தும் பயமில்லையே இல்லையே, राहों में सुरक्षा है दूतों का बहारा, मेरे राहों में सुरक्षा है दूतों का बहारा, शैतान मेरे पांवों तले मगाऊंगा मैं नहीं कभी नहीं, मेरा रक्षक बना बना है, कबूल करना कबूल करो, परम प्रधान की छाया में मैं रहता हूँ, उसके पंखों तले सुरक्षा रहता हूँ, शैतान तुम कुछ नहीं कर पाओगे, I will always outsmart you, devil. Get out. He may be smarter for the worldly people, but I will outsmart him because the smarter one is living in me. Yanavan mere mein rehta hai. Balavan, Mahabalavan mere andar rehta hai. Hallelujah. Hallelujah. Dhanyavaad.
धन्यवाद धन्यवाद, सब लोग धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद करने का समय है, धन्यवाद का समय है। परमेश्वर को हम धन्य बलि चढ़ाए, उसको हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, आइए कोई भी एक प्रार्थना करेंगे। यरमिया 32:40-41 मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनको संग छोड़ कर उनका भला करना न छोड़ूंगा। दो नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर। इस वचन से परमेश्वर कहते हैं संग न छोड़ूंगा, भला करना न छोड़ूंगा। क्या चीज़ है संग न छोड़ूंगा। प्रभु भी बोलते हैं, माले में शैतान भी बोलते हैं। माले में आप लोगों को माले में कि नहीं, शैतान भी क्या बोलते हैं, सदा सर्वदा मैं तेरे पीछे हैं, बोल देगी नहीं, आते रहूँगा तुझे परेशान करने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं संग न छोड़ूंगा। बोले संग न छोड़ेंगे, भलाई करना न छोड़ेंगे। अभी तक कि अभी
सिस्टर ने बोला गर्भ से मुझे बचाया, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा बाइबल में लिखा है दुनिया को उत्पन्न होने से पहले आपको परमेश्वर चुन लिया है, मसीह में चुन लिया, मसीह में ठहराया, नियुक्त किया, एक बड़ी मकसद के साथ यहाँ पर आए हो, स्वर्गीय भवन में आए हो। आप सोच रहे चर्च में आए, चर्च से भी बढ़कर है स्वर्गीय भवन। एक एक अंदर स्वर्ग है, एक एक अंदर त्रियक परमेश्वर है। जो लोग पवित्र आत्मा को पाए, उद्धार पाए हैं, आप अपने बारे में इस ढंग से सोचना, आपके लिए वायदा करने वाले परमेश्वर है। 2023 में कह रहे हैं संग न छोड़ूंगा, भलाई करना न छोड़ूंगा। ऐसा नहीं बोल रहे मैं भलाई करता रहूंगा, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे ना, बाद में मैं पूरा रिवर्स कर दूंगा। इस ढंग से नहीं बोल रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं भलाई करना ना छोड़ूंगा। उसके लिए एक मेन चीज बता रहे हैं, परमेश्वर हमको भलाई करते रहना चाहते। उसके लिए एक चीज हमें हमारा तरफ से जरूरी है, परमेश्वर लगातार भलाई करेगा, कभी ना छोड़ेगा, ये तो हमको मालूम है, कभी नहीं त्यागेगा, ये भी हमको मालूम है। तीसरा आज आप मालूम करो, कभी भी भलाई करना नहीं छोड़ेगा। ऐड करो, घर पे लिख के रखो, भलाई करना नहीं छोड़ेगा। நன்மை செய்வதை விட்டுவிட மாட்டேன்றார், புரியுதா? கைவிட மாட்டேன், உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், நன்மை செய்தல் என்ன பண்ண மாட்டேன், பின்வாங்க மாட்டேன்னு போட்டிருக்கு தமிழில். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியில் நல்லா ஒட்டுற மாட்டேன், பலாய் கர்ணனாய் சோடுங்க, சாத்துனை சோடுங்க, பலாய் கர்ணனாய் சோடுங்க. ஏய் பிரபு சாத்தேஹே இசால் கேளியே. देखो बाइबल के सब प्रॉमिस हमारे लिए है। मैंने उस दिन बताए जब आप सुपरमार्केट में जाएंगे, मैं एक बार गए थे सिंगापुर का बात कर रहा था मैं, सिंगापुर सुपरमार्केट, हर चीज़ खरीद सकते हैं, ऐसे ऐसे दुकान हैं, लोग अलग अलग सामान लेके जा रहे हैं, क्या देके, पैसा दे करके। अब आपके पास पैसा है? बोले तो सही, हमारे पास विश्वास रूपी करंसी है, उस करंसी से जो सामान उधर है ले सकते हो, हर प्रॉमिस आपका है। मैं देख रहा था दुकान के अंदर लोग जाकर के अलग अलग चीज़ें ले रहे थे, कोई पास्टर जी ले रहे थे 100 करोड़ ले रहे थे। ठीक है, अच्छा किया पास्टर जी, अपना बच्चे लोगों को भी सिखा रहे होंगे 100 करोड़ लेने के लिए ले लो। वो भी सामान मुझे दिखाई दिया, जो भी दिखाई दिया, काफ़ी सामान साफ, काफ़ी वचन दिखा दिया, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे एक वचन के पर लेके गए, वो यही वचन है जिसमें परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा हृदय दूंगा, मेरे बाएं मानोगे, कभी भी मेरे से अलग नहीं होगे। चाहिए कि नहीं? वेणुमा वेणामा, ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए मैं यह सामान ले लिया, चुपके से रख दिया, किसी को दिखाऊंगा नहीं, केवल मेरे कलीसिया वाले को सीक्रेट है। हमारा चर्च का प्रॉमिस है, जाके सबको बांटना नहीं है कि नहीं? कोड़े खाने से चंगा हो गया विश्वासी के लिए, अविश्वासी के लिए वो काम नहीं करता। जब इसमें आएगा, भाई मानेगा, प्रभु को छोड़ेगा नहीं, ऐसा हृदय प्रभु देने वाले हैं मेरे बच्चे लोग। यही सबसे बड़े आशीष मुझे लगा। मैं सोचा रही ऐसे वचन मुझे मालूम था, पवित्र आत्मा वचन मुझे याद दिला रहा था, लेकिन बाइबल में मुझे मालूम तेरे में कहीं है, मुझे मिल गया यही वचन मेरे लिए, आपके लिए, नया नियम कलीसिया के लिए मालूम है। जेरेमिया 32-33, ये सब नया कवनेंट, नया वाचा में हम लोग हैं, नया युग में है, अनुग्रह के युग में है। पुराना युग में लोग डर मानते थे, लेकिन हम भी डरते हैं। किस ढंग से बोलो, कैसे डरते थे? इब्राहिम डरते थे, ये मेरे मालिक, इस ढंग से डरते थे। लेकिन हम कैसे डरते हैं बोलो?
मेरे पिता, मेरे पिता का आदर करना है, करना है ना। वो अपने कंधे पर उठा कर लेकर आए हैं। हालेलुया, इतना साल उसके कंधे पर हम बैठ कर हम आए हैं, आगे भी वही लेके जाने वाले हैं। ही इज़ रेडी टू गिव हिज शोल्डर्स फॉर यू। अपने कंधे देने के लिए तैयार है। कितनी गलतियाँ आपने की, कितनी गिरावट हुई, कितनी गलतियाँ हुई, कितनी मूर्खता हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, संग न छोड़ेंगे, भलाई करना न छोड़ेंगे। इसके लिए वो भलाई करते रहना चाहते हैं यार। 100 करोड़ के या इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं ज़रूरत है तो, ये मैंने बताया उस दिन। आप उसको संभाल सकते हैं तो, उस आशीष को दूसरे के साथ बांट सकता है तो, और आशीष के सोता गाना बनाए हम, गाना गाए हमने, आ रहा है ऊपर से, और एक अच्छा और उत्तम दान। ज्योतियों के पिता की ओर से जो न बदलता है, कहां पर है ये? याकूब 1:17। ज्योतियों के पिता की ओर से जो न बदलता है, ये नया दिन नया अनुग्रह देगा, प्रभु को लेगा नया द्वार। ये नया दिन नया अनुग्रह देगा, प्रभु को लेगा नया द्वार। आ रहा है ऊपर से हर एक अच्छा और उत्तम दान, आ रहा है ऊपर से हर एक अच्छा उत्तम दान। ज्योतियों के पिता की ओर से जो न बदलता है, ज्योतियों के पिता की ओर से जो न बदलता है, ये नया दिन नया अनुग्रह देगा, प्रभु को लेगा नया द्वार। ये नया दिन नया अनुग्रह देगा, प्रभु को लेगा नया द्वार। आमीन। परमेश्वर भलाई करना न छोड़ेगा, संग रहना न छोड़ेगा। इसके लिए आपके अंदर में एक चीज रखते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज है, उसको संभालो। क्या संभालना, क्या संभालोगे? जीवन से भी उत्तम तेरी, उसको संभालो। परमेश्वर का अनुग्रह ग्रेस, उसको संभालो। उसके लिए प्रेम करते रहो, भाई मानते रहो, उससे अलग कभी नहीं होना। मालूम है, अब ये भी हम वचन देखने जा रहे हैं, कुछ भी स्टॉप नहीं कर सकते आपको। मालूम है, हमारा एक मेरे लिए बहुत सारे बेटा बेटियां प्रभु ने दिया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे बेटी एक बोला मेरे को, अंकल जी वी आर अनस्टॉपेबल। बोले अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल। என்ன வயசானாலும், 80-90 ஆனாலும் என்ன பண்ண முடியும் உங்களை? அவனும் நோபடி கேன் ஸ்டாப் மீ, நோபடி கேன் ஸ்டாப் யூ, இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் த குட் ஷெப்பர்ட். அச்சு சர்வாக்க பீச்சு சல்தே ரோகே, கொய் நை ஸ்டாப் கர் பாயேகா, யூ ஆர் அன்ஸ்டாப்பபிள். க்யோ? சங்கு நை சோடேகா, பலாய் கர்ணா நை சோடேகா. ஒரு இஸ்கலியே மேரே ஹிருதயமே ஆப்கே ஹிருதயமே க்யா ரக்கேகா? हाँ, ये पढ़ना 40-40 वचन द्वारा पढ़ना, जोर से पढ़ना, कोई माइक में पढ़ना, यरमिया 32:40, दूसरे भाषा में भी पढ़ने वाला पढ़ो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा, वाचा देखो, दैट इज अ कवेनेंट, हमारे साथ एक वाचा है। क्या वाचा है? कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। मतलब संग ना छोड़ेंगे, भलाई करना ना छोड़ेंगे, ये वाचा है, परमेश्वर की वायदा है। आगे बढ़ो। और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। देखो, अलग होना नहीं चाहेंगे, कुछ भी हो मुझे आपसे अलग नहीं होना। क्यों? परमेश्वर का प्रेम है, उस प्रेम से प्रभु मुझे भर दिया। प्रभु के ऊपर एक आदर है, एक रेस्पेक्ट है। डर मतलब ऐसा नहीं है, पुराने नियम वाला डर हमारा अलग है। पिता के, पिता जैसा बेटा आदर करते हैं,
इस ढंग से बाया हमारा दिल में रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगा, प्रभु से मैं कभी अलग नहीं होना है। इस ढंग से परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आगे बढ़ना, अगला वचन। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा। भला कैसे करेंगे मालूम है? अरे इनको करना पड़ रहा है, या क्या करेंगे, ये मेरा बच्चा हो गया। कभी कभी माँ बाप क्या करेंगे, बच्चों के लिए मदद भी करेंगे, फीस भी भरेंगे, बच्चा फेल होते जा रहा है, पास होगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। मम्मी पापा सोच रहे हैं, अरे बेकूफिया हम कैसे बदमाश बच्चे मिले यहाँ, इसको क्या करेंगे, हमारा ही बच्चे है, हमारा ही डीएनए है, हमारा ही बीज इसमें है, हमारा जान है, इसके लिए क्या करेंगे, भलाई तो करेंगे, भलाई करना छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन कैसे करेंगे बोलो, रो रो करके, कुड़कुड़ा कर, थोड़ा चिल्ला करके, अरे तुमको आगे नहीं देने वाला, भागो, दिस इज द लास्ट टाइम मैं फॉरगिव करूँगा। कुछ लोग ऐसे भी थियोरी रखे हैं, ऐसी एक थियोरी, परमेश्वर ने ऐसे एक लिमिट रखा है, लिमिट सेट किया है, इतने पाप किए तब तक माफ़ी होगी, आगे एक भी होगा तो भी करटा दे, दैट इज गॉड्स ग्रेस। मैं क्या करूँ, परमेश्वर का अनुग्रह, नया अनुग्रह का हम बात कर रहे हैं, हर दिन नया अनुग्रह, इसलिए पाप करते रहो ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भलाई करना ना छोड़ेगा। माँ बाप भी भूल जाएंगे, माता पिता की प्रेम से बढ़कर प्रेम है, आपने कितना गलतियाँ किए हैं, कुछ चीज़ों को माफ़ी मांगे, कुछ चीज़ आप भूल गए, माफ़ी भी नहीं मांगे, क्या हुआ उसका बोलो तो सही, वो भी समुंदर के गहराई में चला गया, यीशु के लहू में इतना ताकत, मिरेकल पावर है, मैं इसको प्रीच करता हूँ क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ। मैं बड़ा पापी था, जब ब्रदर ने बोला मैं बड़ा पापी हूँ, उसका मालूम नहीं मैं उससे भी बड़ा पापी हूँ। बड़ा पापी था मैं, अभी मैं ज्योतियों की संतान बन गए, ज्योतियों के पिता के संतान बन गए, आप भी बन गए हैं। परमेश्वर संग न छोड़ेगा, भलाई करना न छोड़ेगा, और भलाई इस ढंग से नहीं करेगा, रो रो कर नहीं, कैसे करेगा, खुशी से करेगा। और आगे बढ़ना, 41, सचमुच और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा, बसा दूंगा, देश में रखेंगे, चर्च में रखेंगे, कलीसिया में रखेंगे, परिवार में रखेंगे। अरे क्या करेगा, इसको रखना पड़ रहा या लायबिलिटी, ये तो मेरा बोझ बन गया है, जल्दी से इसका हटा देता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। माँ बाप सोच सकते, अरे ये तो लायबिलिटी है, कब चलेगा, कब शादी होके जाएगा, या कब नौकरी पा करके अलग चला जावे। पेरेंट्स तो सोचेंगे, गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस ढंग से अपने घर से हमें कभी भी नहीं निकालेंगे, माँ बाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा नहीं जीवित रहेंगे। लेकिन परमेश्वर बोलते, मैं तेरे घर, मेरे घर से तू जाओगे नहीं, इस कलीसिया से भले चला जाएंगे, लेकिन इस कलीसिया से जाकर के दूसरे बगल में कोई कलीसिया में नहीं जाना है कि नहीं, अगर दूसरे स्टेशन में चला गया अलग बात है, लेकिन प्रभु से दूर न जाना, क्या नहीं जा करना, प्रभु से अलग नहीं होना, यही आज संदेश, वेरी स्मार्ट, स्मॉल एंड स्वीट संदेश दे रहा हूँ। प्रॉमिस ऑफ गॉड, सुपरमार्केट में पवित्र आत्मा मुझे दिखाया ये सारे मधुर वचन, बाइबल एक खजाना है, कितने भी साल में वचन निकालते रहता हूँ, हर पन्ना से प्रचार करते जा रहा हूँ, पिछले 25 साल से खत्म ही नहीं होगी, नया दर्शन, नया कृपा, नया अनुग्रह। आज मेरे बच्चों लोग, आप लोगों को प्रभु प्रेम कर रहे हैं, कितने भी गलती हो गया होगा, सुसाइड की आत्मा, गेट आउट इन जीसस नेम, किसी को पास आना नहीं, साल में किसी का मन में ऐसे विचार नहीं होना है,
प्रभु मेरे पापों को माफ करेगा क्या? आज से संदेह नहीं होना, ये वचन को लेकर लड़ो। कैसे लड़ेंगे? आत्मा की तलवार से। अटकती कड़ियादे, वो क्या है, वो ये कार्डबोर्ड वाला तलवार नहीं है, नकली, असली, यही असली है। प्रभु का वायदा है, मैं वाचा बांधूंगा। 2023 लिख के रखो उस साइड पर। इसके लिए गाना भी बने, हमारा दूसरा गाना भी है नया साल का, वो अभी ट्रांसलेशन थोड़ा रुका हुआ है, वो भी ज़रूर आ जाएगा अगले संडे को महिमाई जी चैनल में 10 बजे। देखना सब लोग, सुनना, सीखना गाना। ऐसा गाना प्रभु हमको देते हैं, ऐसे गानों का हम केवल म्यूज़िक के लिए नहीं है, उसके अंदर वचन के लिए हम सुनते हैं, वचन के लिए हम सुनाते हैं। भले कुछ बीट इधर उधर, बिच इधर उधर होगा, ठीक है, ये भी हम देखना पड़ते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। कौन सा? स्पिरिचुअल, आत्मिक तौर से बीट सब मैच होना है। स्केल, बीट, आत्मिक बीटिंग, आत्मिक बीपीएम, आत्मिक स्केल मैच होना। आप हमारे इधर आए हो, मैं विश करता हूँ आपके अंदर प्रभु की भाई हमेशा रहे। प्रभु का आदर करो, प्रभु का प्रेम करो, प्रभु का भाई मानो। इफ यू वॉन्ट द डेविल टू फियर यू, शॉर्टकट यू फियर गॉड। हाँ, शैतान आपको डरना चाहिए, आप क्या करना चाहिए? प्रभु को डरो, प्रभु को डरो, प्रभु का भाई मानो, उससे अलग ना होना। प्रभु के आदिन रहो, शैतान का सामना करो। इस ढंग से वचन बोलना चाहते हैं, एक आध वचन भी पढ़ेंगे, उसके बाद कमिटमेंट में जाएंगे। एक वचन पढ़ना हम के अलग नहीं कर सकते हैं, कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। यहोशू की किताब 1:5, यहोशू 1:5, कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं जीवन भर 1:5 निकाला तो पढ़ो फट से। तेरा जीवन भर कोई तेरा सामने ठहर ना सकेगा, ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे को छोड़ूंगा। तो अभी दूसरा चीज़ भी बोल रहे हैं प्रभु, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, भलाई करना छोड़ूंगा नहीं, भलाई को खुशी से करूँगा, तेरे मन में मेरे भाई को उपजाऊंगा। यहाँ पर बोल रहे मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। बोलिए प्रभु मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे, लेकिन तो बोल रहे हैं इसलिए कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। आएगा, जरूर आएगा, सामना नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा। यस, सामना नहीं कर पाएगा, प्रबल नहीं हो पाएगा। ये पिता हमारी और अपने बेटे को दिया है, पिता हमारी और अपने बेटे को दिया, सब चीज़ें उसके साथ क्यों नहीं देगा, सब चीज़ें उसके साथ क्यों नहीं देगा। सामना नहीं कर पाएगा, यारू यारू एदिर्त निर्क कूडादे, எதிர்த்திருந்து ஜெயிக்க கூடாதே, யாரும் நமக்கு இருக்க கூடாதே, எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்க கூடாதே. தேவன் நமது பக்கம் தம் சொந்த மகனை இந்தார், தேவன் நமது பக்கம் தம் சொந்த மகனை இந்தார், அவரோட கூடவே எல்லாம் அவர் தருவாரு, அவரோட கூடவே எல்லாம் அவர் தருவாரு. யாரும் நம்மை எதிர்க்க कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। कहते हैं मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरे संग नहीं छोड़ूंगा, भलाई करना नहीं छोड़ूंगा, तेरे हृदय में मेरे भय उपजाऊंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, इसलिए कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया है कि नहीं? कोई खड़ा हो पाएगा?
अरे यार जवाब तो दो, ऐसा जवाब दो कि एक आध भूत इधर उधर दिख रहा दूर में वो भी सुन करके कोई कड़ा हो पाएगा क्यों? मेरे साथ है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भलाई करना नहीं छोड़ेगा, भलाई करने में आनंद से करेगा, कभी धोखा नहीं देगा। मेरे अंदर उनके भय को रखा है इसलिए शैतान मुझे डरता है। हालेलुया, धन्यवाद करो। ऐसे ऐसे वचन, और एक वचन पढ़ेंगे, सामर्थ्य वचन। हालेलुया, 1 Samuel 2:9, कोई भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया, वो एक पहले समय 2:9, वह अपने भक्तों के पावों को संभाले रहेगा परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। बोलिए दुष्ट लोग, बोलिए दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा, कोई बल के कारण प्रबल नहीं होगा। जो यहोवा से झगड़ता है वे चुकनाचूर होंगे, चुकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। देखो चुकनाचूर होंगे, कोई बल से प्रबल नहीं होंगे। कितना भी बल है हमारे पास, परमेश्वर का भय है, बल है। बोलिए परमेश्वर का भय है, वही सबसे बड़ा बल है। प्रभु में आनंद है, वही सबसे बड़ा बल है। तो दूसरा बल कौन सा बल? एक प्रभु के दास बोलते, अरे ये तो शरीर है, हम मांसंदान है। अंटर कर देना दे, एलिया जी बोलते, अरे ये तो मांस है, ये तो शरीर है यार, हमारा देखो आत्मिक सेना गिरे हुए हैं। इस ढंग से देखो आत्मा की दुनिया को। सिस्टर जी ने प्रार्थना में बोले, आत्मा की दुनिया में देखो, पूर्व में पश्चिम उत्तर दक्षिण विशाल दर्शन देखो, पूरे भारत देश यीशु मसीह में आते हुए देखो, यीशु मसीह के लहू से जम्मू से लेकर कश्मीर तक धोते हुए देखो। इस ढंग से सेवा करेंगे, प्रभु की आगमन जल्दी होने वाला है। कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा, दुष्ट लोग चुपचाप अंधियारे में पड़े रहेंगे। सबका मुंह पे क्या लगाना, हमको स्टैपलर लगा दो, टेप लगा के तो लोग निकल देंगे शैतान का मुंह को। बराबर स्टैपल लगा के कंक्रीट डाल दो खोल ही नहीं पाएगा, चुपचाप पड़ा रहेंगे। यहोवा के भक्तों के पावों को संभालेगा। वही गाने में बनाई, शत्रु नम्मी जयतीरामल सत्य दे, सॉरी ब्रदर, वो ई माइनर डाली। சத்துரு நம்மை ஜெயித்திடாமல் சத்திய தேவன் காத்திடுவா, சத்துரு நம்மை ஜெயித்திடாமல் சத்திய தேவன் காத்திடுவார். புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக தேவன் மாற செய்திடுவார், நம் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக தேவன் மாற செய்திடுவா. ஏனயாதின் நயானுகிர தேகா பிரபு கோலேகா நயாத்வா, ஏனயாதின் நயானு 7:8-11 கோலேகா நயாத்வா. அழலு ஹரண பாயகா சத்ரு அம்கோ சம்பாலேகா சச்சா பிரபு, ஹரண பாயகா சத்ரு அம்கோ சம்பாலேகா சச்சா பிரபு, நாச்மே பதலேகா விலாப்கோ கேருலேகி பிரபு கீ தயா, நாச்மே பதலேகா விலாப்கோ கேருலேகி பிரபு கீ தயா. நயாதின் நயானுகிர தேகா பிரபு கோலேகா நயாத்வா, ஏ நயாதின் நயானுகிர
देगा प्रभु खोलेगा नया द्वार आ रहा है ऊपर से हर एक अच्छा उत्तम दान आ रहा है ऊपर से हर एक अच्छा उत्तम दान ज्योतियों के पिता की ओर से जो न बदलता है ज्योतियों के पिता की ओर से जो न बदलता है नया दिन नया देवा प्रभु खोलेगा नया द्वार ये नया दिन नया अनुग्रह देवा प्रभु खोलेगा तमिल में गाना बनाया था पुदिय आंड पुदिय हमने नया दिन कर दिए ताकि हर दिन हम ये गाना फिर ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क का दिन में ही एक साल रुकनी पड़ेगा ऐसा नहीं ठीक है तो अभी तक क्या बोले कोई सामना नहीं आ पाएगा नंबर वन दूसरा चीज़ कोई आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा नंबर टू तीसरा कोई भी आपको हानि नहीं कर पाएगा आएगी नहीं प्रेरित 18:10 पढ़ना 18:10 प्रेरित 18:10 परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ यहाँ पर भी साथ है साथ सब ये सब इसलिए कि प्रभु हमारा साथ है यहाँ पर भी क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा क्योंकि इस नगर में मेरे मुझ बहुत से लोग हैं देखो सूरत में बोलिए सूरत में प्रभु के लिए बहुत लोग हैं इसलिए प्रभु मुझे साथ नहीं छोड़ेगा कोई भी मेरे ऊपर चढ़ाई करके मुझे हानि ना करेगा क्यों कारण क्या है हम रहेंगे तभी तो वो लोग आएंगे हम लोग सब चले जाएंगे आगमन में जाना चाहिए वो अलग बात है है कि नहीं तो इसलिए बोलते ये शहर में मेरे लिए बहुत लोग हैं विश्वास कर सकते हो मेरे भाई लोग हाँ कि नहीं पीछे हाँ उत्तम भाई विश्वास करेंगे यस विश्वास पड़ेंगला ब्रदर उनका पैर है ना सुनिए डेविड विश्वास पड़ेंगला இந்த நகரத்தில் சூரத்தில் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்காரு கொஞ்ச நாள்னாலும் சரி ஒரு ஆத்மாவது என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஆத்மாவை பிடிச்சிட்டு போயிடுங்க ஹம் சூரத் மே ராத்தே ஹே சூரத் மே ஜரூர் லோக் ஹே பிரபு கே பாஸ் ஆயேங்கே இஸ்லியே மே கொரோனா சே பச்சு கயா இஸ்லியே மேரா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ருக் கயா இஸ்லியே பாய் கா பி லாஸ்ட் மினிட் மே हाँ वो बोल रहा था नौकरी छोड़ना पड़ेगा फुल टाइम सेवा में आना पड़ेगा हाँ लास्ट डे मिरेकल है ना कभी कभी पता नहीं प्रभु भी ऐसा मज़ेदार है ஆண்டவர் சில இது நகைச்சுவையாளர் பார் லாஸ்ட் டேல தான் என்ன பண்ணுறாரு இவ்வளோ நாள் அவன் டென்ஷனில் இருந்தான் பாவம் லாஸ்ட் டே தான் பேச்சாரா டென்ஷன் மேத்தா லாஸ்ட் டேமே அற்புத் காம் होएगा मेरा भी टेंशन में था माले में 2013 ट्रांसफ़र हो गया आसाम मैं सोच रहा था क्या करेंगे पहले एक बार ट्रांसफ़र हुआ था 2008 में वो भी यही वचन से इस शहर में प्रभु के लिए लोग था इसलिए इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी में भी ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसा है कोई भी बड़ा आदमी को भी ट्रांसफ़र आएगा कभी कैंसिल नहीं होता लेकिन ये वचन के कारण सूरत में लोग है इसलिए पता नहीं क्या हुआ मुझे नहीं मालूम मैंने कहीं जाग नहीं लगाया मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल 2008 में 2013 में फिर अगेन ये गवर्नमेंट जॉब करने में यही थोड़ा प्रॉब्लम है इधर उधर बदलते रहेंगे लेकिन मेरे को 19 साल बदला ही नहीं है कारण एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 10 इसके कारण प्रभु मुझे रखा इसलिए आपको रखा इस शहर में लोगों को जीतने के लिए रखा नहीं तो हम तैयार है हम बोलते हैं मैं तो जीना मसीह मरना मेरा लाभ है मैं तो रेडी यस लॉर्ड ऐसा हम रेडी है लेकिन टाइम है अभी लोगों को जीतना है ठीक है
कोई भी आपके ऊपर हानि नहीं करेगा. अनदर वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, योहन्ना 10:28-29, जॉन चैप्टर 10:28-29. और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ. क्या देते हैं? दिया है कि नहीं दिया है? अनंत जीवन देखो है, दिख रहा है, दिख रहा है अनंत जीवन दिख रहा है भाई, महसूस हो रहा है? कभी कभी नहीं भी हो रहा है, क्या करोगे? चला गया अंदर है. मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया. बोलिए, यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया. भले मैं महसूस करूँ नहीं भी करूँ, मेरे में रहता है. ठीक है, अनंत जीवन तुम्हारा में रहने से एक बड़ा ये मिल गया, आशीष मिल गया. वो पढ़ना, आगे बढ़ना. वे कभी नष्ट न होंगे. नष्ट नहीं होंगे मेरे में लिखा है. और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा. छीन ना लेगा, चीन देश भी छीन नहीं पाएगा. कोई भी देशवासी आपको प्रभु के हाथ से छीन न लेगा. ये इससे इस और भी प्रभु जी यहाँ तक छोड़ दिया तो भी बहुत था, लेकिन यहाँ तक प्रभु नहीं छोड़ा, और भी आगे बढ़ गया. 29 वचन, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वह सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता. पिता के हाथ, अभी दो हाथ पकड़ा है कि नहीं? सपोज यहाँ कई बड़ा पेरी का यार का दरका मोसेस वामा, अभी तो वही इसका ही बड़ा हाथ होगा. अभी मैं इसको पकड़ा है, किताब को पकड़ा, इसके हाथ में है किताब. इधर मैं लेने कही अंदर रेड कहीं. अभी किताब को कोई चिन्ना तो क्या करना पड़ेगा, कैसे चिन पाएगा? बोलो, पहले बड़ा हाथ को निकालना पड़ेगा, उसके बाद अब ये इसका हाथ निकाल पाएगा. थैंक यू. तो समझ में आ गया? बोले, मैं यीशु के हाथ के अंदर हूँ और परमपिता के हाथ के अंदर हूँ. मेरे हाथ से, सॉरी, यीशु के हाथ से, परमपिता के हाथ से कोई भी मुझे छीन नहीं पाएगा. कितना बढ़िया ये वचन को मैं हजार बार मैं अप्लाई किया है, बहुत बार अप्लाई किया. कभी भी शैतान दोष लगा रहे तुम पाप कर दिया, प्रभु छोड़ दिया, ये हो गया, ये कर दिए. John 10:28 में लिख के रखा इटर्नल इंश्योरेंस. मेरे बाइबल में लिख के रखा इंश्योरेंस. चाहिए डबल इंश्योरेंस, यीशु के हाथ से, पिता के हाथ से कोई भी मुझे छीन न पाएगा. हालेलुया, कितना बढ़िया वचन. हालेलुया, ऐसे ऐसे वचन याद रखो, मनन करो. घर पे भी मेरे टाइम की कमी के कारण मैं फटाफट जा रहा हूँ. कोई भी हानि नहीं पहुँच सकते हैं, कोई भी मुझे छीन नहीं सकते हैं. John 16:22 पढ़ना, John 16:22. और तुम्हें भी किस उसी प्रकार तुम्हें भी तुम्हें भी अब तक शोक है. शोक है, देखो पर... शोक है लेकिन आनंद भी है. यही बोलते हैं प्रभु जी, बोलते हैं तुम्हारा शोक है परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुम से छीन ना लेगा. देखो आपके जीवन में, मेरे जीवन में दुख है, आनंद है, कौन सही है? ये अलग सही है, वो अलग सही है. जेंट्स बाय
பிரதர் செய்ய சிஸ்டர் செய்ய என்னம்மா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹூ இஸ் லிவிங் ஹூ இஸ் லிவ் எஸ் யூ லவ் சாரோ ஓகே கே சோச்சரே என்னம்மா துனியா மே கிளேஷ் லேக்கின் மேனே துனியாக்கோ ஜித் லியா ஆண்டவர் இருந்தால் கூட துக்கம் இருக்கும் சில சமயம் இருக்கும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்போ நீங்கள் துக்கப்படுறீங்க ஆண்டவர் கூட தான் இருக்கிறாரு கபி கபி பிரபு சாத் ரத்தியோ விபி அம் துக்கோத்தேன் பிரபு துக்குனே இது ஏன் அம் துக்கோத்தேன் அம் சிந்தி தோத்தேன் बोझ उठाते हैं इवन आत्मत्याग करने का भी विचार कभी कभी विश्वासी को भी आता है आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए लेकिन आता है वहां तो गाना गा रहा आ रहा है ऊपर से यहां नीचे से आ रहा है शैतान से आत्महत्या का विचार भी किसको लेना उत्तम बात और एक अच्छा उत्तम ओ ले लो द्वादश बांधो क्लेश है तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा मैं मिलूंगा जब प्रभु आ गए मैंने बोला प्रभु आ गए जीरो क्या हो जाएगा हीरो बन जाएगा दुख आनंद में बदल जाएगा और ये भी नहीं है वो दुख वो आनंद को कोई भी छीन न पाएगा आज यही वचन बार बार मैं बता रहा हूँ कोई आपको हानि नहीं कर पाएगा प्रभु के कोई आपको पहले कोई सामना नहीं कर पाएगा प्रबल नहीं हो पाएगा हानि न कर पाएगा प्रभु के हाथ से छीन नहीं पाएगा और क्या बोला तुम्हारा वो आनंद को छीन नहीं पाएगा क्योंकि मैं वचन पढ़ाता हूँ आपको योहन्ना का किताब 15:11 जॉन्स 15:11 मैंने ये बातें तुम से इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए बोलिए प्रभु का आनंद मुझ में बना रहेगा तो वो पूरा हो जाएगा बोले पूरा कौन सा आनंद है तो प्रभु का आनंद पूरा हो गया अब ये माटे प्लास्टिक नहीं था इसमें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ वो प्लास्टिक बारा है इसमें काली है थोड़ा पानी पी लेता हूँ ना क्या सॉरी अभी पी लिया तो पूरा क्या हो गया आनंद हवा गुम काली बरा है अभी भी है ये भी पी लेते हैं ठीक है अभी क्या हो गया आनंद कहाँ चला गया लेकिन आपके पास ऐसे आनंद है प्रभु का आनंद है उस आनंद क्या है अंदर में एक सोता है अंदर में क्या है अमुद सुरभि तमिल சொல்லுவாங்க தமிழ் में एक वर्ड है अमुद सुरभि बोलते हिंदी में है कि नहीं मालूम हिंदी में है क्या बदर ऐसा एक बाटला है आते रहेगा बदर रीजॉइन करने पड़ेगा बदर रीजॉइन मेरे को ठीक है तो पूरा रहना चाहिए तो क्या चाहिए अंदर से आते रहना चाहिए और पूरा रहेगा 90% रहेगा तो क्या होगा 10% में दुख निराश चिंता बोझ
क्या करेंगे, बच्चे की शादी कैसे करेंगे, घर कैसे बनाएंगे, क्यों 10% में ही है, प्रभु तो है साथ में लेकिन पूरा नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रभु में आ गए तो पूरा ही डूब जाओ। बोले प्रभु में आ गए तो पूरा ही डूब जाओ, डूबे रहो बरा रहोगे। इस बाटल को निकाल कर मैंने कहाँ डाल दिया, एकदम पानी में, तो क्या होगा, पूरा भरते रहेगा, मंडते रहेगा, वैसे परमेश्वर में डूब जाओ। थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा दूर काफ़ी नहीं, ज़्यादा दूर काफ़ी नहीं, पूरा पूरा डूबना है, पूरा पूरा डूबना है, डूब डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया साथ, जीवन जल आत्मा आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु सतगुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, ओ बहती नदिया जैसा। कणकाल अलव पोदादय्या, मुळंगाल अलव पोदादय्या, போதாதையா, நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே, நீந்தி நீந்தி மூழ்கணுமே, துதித்து துதித்து மகிழணுமே, துதித்து துதித்து மகிழணுமே, வறுமையா ஒதுகரே, பற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக, ஓ வற்றாத ஜீவ நதியாக, வற்றாத ஜீவ நதியாக, சப்கே கர் மே லிக்கே ரக்னா ஹை 1000, ठीक है, क्या मीनिंग बोला मैंने, कुछ भी लिखो, कुछ लोग 1000 रुपया लिख रहे हैं, मैं क्या करूं, 1000 तो कम हो जाएगा भाई, हाँ 1000 लिखो, बहती रहेगी, इसलिए आनंद खत्म नहीं होगी। जीवन जल की यीशु ने कहा योवन्ना 7 में, जो मेरे पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से क्या रहेगा, जीवन जल की नदी यहाँ बहते रहेगा। इसलिए एक प्रभु के दास को मैंने बताया, चेन्नई में पास्टर 50 साल से प्रचार किया, बोलते बाइबल का हर एक पन्ना से मैंने प्रचार करते रहे, अभी भी देख रहा हूँ बाकी पन्ना बाकी है, काफ़ी मेरे को अभी भी प्रचार करना है। ऐसा प्रभु के दास बोलते बताते रहो, आनंद कभी खत्म नहीं होगी, वचन का ज्ञान कभी खत्म नहीं होगी, सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाओगे। हर साल के लिए यह लागू है, धर्मी जन की राह अधिक अधिक चमकती है, सूरज के ज्योति समान जो बढ़ता है दोपहर तक, धर्मी जन की राह अधिक अधिक चमकती है, सूरज के ज्योति समान जो बढ़ता है दोपहर तक, नीतिमान पादे अधिकमाय ஜொலித்திடுதே। பாஸ்டர் ஜி உங்களுக்கு 70 வயசு ஆயிட்டா எப்படி இருக்கும்,
எண்பது வயசானால் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க, என்னம்மா ஆகும் காலை மாதிரி சொல்ல முடியுமா? ஆ விஸ்வாஸ்மே மஜ்பூத், பலத்தின் மேல் பலம், எஸ் சமர்த்துக்கு அப்புறம் சமர்த் ஹர் வக்தி பாயாகா கியோங்கி பரமேஸ்வருக்கு ஏ சாரே பாத் ஹே கோய் பி ஏ நீ கரே. லாஸ்ட் எக் வச்சன் மெயின் வச்சன் ஹே தட் இஸ் த தட் இஸ் மை ஃபேவரைட் வச்சன். 33 வேர்ட்ஸ் ரோமன்ஸ் 8:33 பரமேஸ்வர் கே சுனேவே பர் தோஷ் கோன் லகாயேகா. 8:33 பண்ணா பரமேஸ்வர் கே சுனே ஹுவே பர் தோஷ் கோன் லகாயேகா. கோன் லகாயேகா பரமேஸ்வர் ஹி ஹே ஜோ உன்கோ தர்மி டெஹரானே வாலா ஹே. தர்மி டெஹரானே வாலா கோன் தோஷ் லகாயேகா, கோன் தோஷ் லகாயேகா, கோன் தோஷ் லகாயேகா, ஜோர் சே தோ போலா கோன் தோஷ் லகாயேகா. आगे फिर कौन है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मेरा मर गया वन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. करता है, देखो इसमें और एक वचन 35 पढ़ना. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? बस बस यहाँ पर बड़ा लिस्ट है, यार गिनती पड़ी सोलेंगे इतना क्लेश संकट उपद्रव अकाल चंग नंगाई जोखिम तलवार हम वध होने वाले राइटा परंतु इन सब बातों में मरुड़ी वर्द क्योंकि जानता हूँ मृत्यु जीवन स्वर्ग दूर प्रधानताए वर्धमान भविष्य सामर्थ ऊंचाई गहराई और 17 आइटम्स है 1, 2, 3 बड़ा बड़ा लिस्ट लिख रहे हैं उसमें एक चीज़ है भविष्य. कोई लोग सोच रहे अभी तक तो प्रभु का प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं किया पास्टर जी, भविष्य में क्या होगा? यहाँ से ले लो ये लिस्ट से भविष्य है. भविष्य भी प्रभु के प्रेम से मुझे अलग है नहीं कर सकता है. शैतान कर सकता है क्या पास्टर जी? नो, प्रधानताएं वर्तमान कोई भी सृष्टि, शैतान भी एक सृष्टि है, ईश्वर नहीं है. ईश्वर का मुकुट पहन नकाब नकाब से लोगों को ईश्वर दिखा रहा है लेकिन वो भी एक सृष्टि है, हमारा पांव तले है, इसलिए वो भी अलग नहीं कर पाएगा. ये तीन चीज़ है यहाँ पर, कोई आपको दोष नहीं लगा पाएगा, दंड नहीं दे पाएगा, प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर पाए. इस वचन से आप लोग पूरे साल लड़ना. रोमन्स 8 चैप्टर पूरा रटन मारो. हमारा एक बेटी पूरा रटन मारा चर्च में बोला लेकिन अप्लाई कर रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अप्लाई भी करनी पड़ेगी. रटन मार दिया, दिमाग में रख दिया, मन में नहीं रखेंगे तो फायदा नहीं होगी. काम पे लगाओ. पहले से हमें ठहराया बनने मसीह के स्वरूप, धर्मी बनाया दी है महिमा, धर्मी बनाया दी है महिमा, सबा दे पैदा करती बलाई, सबा दे पैदा करती बलाई, सामना नहीं कर पाएगा कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा. ओ है पिता हमारिया अपने बेटे को दिया, है पिता हमारिया अपने बेटे को दिया, सब चीज नहीं दे
मर गया मुर्दों से जी उठा, मसीह जो मर गया मुर्दों से जी उठा, ऐ पिता की दाहिने ओर मध्यस्थी कर रहा, ऐ पिता की दाहिने ओर मध्यस्थी कर रहा, अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी जुदा नहीं पाएगा। ओ जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा, इन सारी बातों में जय पाते हैं सदा, इन सारी बातों में जय पाते हैं सदा, दोष नहीं लगा पाएगा, दंड नहीं दे पाएगा, दंड नहीं दे पाएगा, ओ मसीह जो मर गया मुर्दों से जी उठा, मसीह जो मर गया मुर्दों से जी उठा, ऐ पिता की दाहिने ओर मध्यस्थी कर, ओ जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा, इस सारी बातों में जय पाते हैं सदा, इस सारी बातों में जय पाते हैं सदा, सामना नहीं कर पाएगा कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा, सामना नहीं कर पाएगा कोई भी प्रबल नहीं हो पाएगा, ओ है पिता हमारी ओर अपने बेटे को दिया, है पिता हमारी ओर अपने बेटे को दिया, सब चीज़ क्यों नहीं देगा, सब चीजें उसके साथ क्यों नहीं देगा, यारु नम्मे एदिर्क कूडादे, एदुत्तु निन्रु जयिक्क कूडादे, ஓ தேவன் நமது பக்கம் சொந்த மகனை இந்தார், தேவன் நமது பக்கம் சொந்த மகனை இந்தார், அவரோடு கூடவே எல்லாம் அவர் தருவாரே, அவரோடு கூடவே எல்லாம் அவர் தருவாரே, யாரும் குற்றப்படுத்த கூடாதே, कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई भी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगा, और कमिटमेंट का समय आ गया है, कमिटमेंट करो, प्रभु आपके भाई मेरे में हमेशा रहने देता हूँ, आप कभी संग नहीं छोड़ेंगे, कभी भी संग हालेलुया रहते हुए भलाई करते रहेंगे, भलाई करना नहीं छोड़ेंगे, भलाई को भी खुशी से करेंगे, हालेलुया धोखा नहीं देंगे, हालेलुया मेरे को अपना हाथों में संभाल के रखेंगे, पिता के हाथों में संभाल के रखेंगे, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, समर्पण कीजिए प्रभु, आपसे मुझे कोई भी छीन नहीं पाएगा, छीन नहीं पाएगा, अलग नहीं कर पाएगा,
सामना नहीं कर पाएगा, प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ है, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन सच्चा है, बदलता तू टलता नहीं, तेरा सच्चा वादा टल जाए आसमान भी, टलता नहीं, तेरा सच्चा वादा टल जाए आसमान भी। तेरा वचन सच्चा है, तेरा वादा अटल है, तेरा वचन सच्चा है, तेरा वादा अटल है। वादा किया तूने, कभी न बोलो के पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई बहन बच्चे लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी प्रभु जी वचन आपने मुझे दिया है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलिसिया वालों के लिए, सभी के लिए आपने दिया इस मधुर वचन, बहुमूल्य वचन, सामर्थ्य वचन। हालेलुया, आपने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं भलाई करना नहीं छोड़ूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छीन पाएगा, मेरे आनंद को तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा, हालेलुया, मेरे प्रेम से तुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे जो सामर्थ्य वचन आपने हमें दिया है, आप हमारे लिए बहुमूल्य है, 100,000 crore से भी बढ़कर यीशु मसीह आप हमारा अनमोल खजाना है, अनंत जीवन आपने हमें दिया है, आपने अनंत जीवन दिया, वो जीवन पुत्र में है, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, हमारे अंदर यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हमारे में अनंत जीवन है, उसके हाथों से हमें कोई नहीं छीन पाएगा। हालेलुया, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं आज इस नया साल की मीटिंग में, मेरे कलिसिया वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे आत्मिक परिवार वाले, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सभी को प्रभु जी इस वचनों से, वचनों के अनुसार यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हालेलुया, मैं आशीष देता हूँ, जो उसको आशीष दोगे उसका आशीष बना रहेगा, इस ढंग से मैं आशीष देता हूँ सबके ऊपर, तेरे आशीष का घोषणा करता हूँ, बना रहे हैं, तेरा आनंद बना रहे हैं, तेरा आनंद बढ़े रहे हैं, पूरा रहे, कमी घटी ना रहे, कभी भी अधूरा ना रहे, आधा अधूरा ना रहे, दूसरों को बांटने वाले रहे, इस ढंग से मेरे भाई बहन बच्चों को प्रभु आगे बढ़ाइए, कमिटमेंट समर्पण के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं भी अपने आप को भी समर्पण करता हूँ, मेरे भाई बहनों को भी समर्पण करने के लिए उत्साहित करता हूँ, जो भी समर्पण किए हैं, इस समर्पण के ऊपर यीशु मसीह का लहू को छिटकाता हूँ, बाड़ा बांधता हूँ, पवित्र आत्मा इस वचनों को
सुरक्षित रखने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर बार इस साल में होने वाले हर मीटिंग के ऊपर, हर बाइबल स्टडी, हर प्रार्थना सभा, हर लेडीज मीटिंग, हर जवानों का मीटिंग, हर संडे क्लब, हर संडे मीटिंग सुबह शाम, अंकलेश्वर में, भरूच में, यूपी में, दीव में, जहाँ पर भी आपके बच्चों लोग हमारा साथ इधर पर जुड़े हुए, सभी के साथ भी तेरे उपस्थिति हमेशा बने रहे। आप संग नहीं छोड़ेंगे, भलाई करना ना छोड़ेंगे, भलाई आनंद से करेंगे। आप हमारे दिलों में ऐसा डर उपजाएंगे, ऐसा भय हमारे अंदर रखेंगे, ताकि हम आपको छोड़कर कभी ना जाएं। इस ढंग से आप हमें आशीष दे रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा महान पवित्र नाम हमेशा ऊंचा रहे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे मर्जी हो जाए, तेरे राज्य आए। आपके हाथों में इस प्रार्थना को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमेन।